Hare Krishna. अभी कुछ दिन पूर्व गोवर्धन इको विलेज में राधा मदन मोहन जी का डीटी इंस्टॉलेशन हुआ. आप लोगों ने उसकी वीडियोस फोटोग्राफ्स देखे होंगे. तो और जो मंदिर है वो जो वृंदावन में जो राधा मदन मोहन जी का मंदिर है, कितने भक्तों ने वृंदावन में राधा मदन मोहन जी का मंदिर नहीं देखा है. हरे कृष्णा, लार्ज नंबर ऑफ डिवोटीज हैव नॉट सीन. जो वृंदावन का जो मदन मोहन मंदिर है वो सट गोस्वामियों के द्वारा स्थापित पहला मंदिर है. ऐसा था कि वृंदावन पहले जब भगवान थे उस समय वृंदावन का प्रारूप था. उसके बाद जब कृष्ण वृंदावन इस धरा को छोड़कर चले गए, उसके बाद उनके कुछ जो बाद में उनके जो पर पोते थे राजा वज्रनाभ, उन्होंने भगवान की लीला स्थलियों के स्थान पर सुंदर भगवान के विग्रहों की स्थापना की थी. लेकिन कालांतर में जब समय बीतता गया तो वृंदावन लुप्त हो गया. वृंदावन का जो ग्लोरी था, जो महात्म्य था, वो भी धीरे धीरे लुप्त हो गया. और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने सट गोस्वामी को, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ गोपाल भट्ट जीव गोस्वामी, इनको वृंदावन भेजा था ताकि वृंदावन का वो फिर से पुनः स्थापित किया जा सके. तो उस समय सनातन गोस्वामी के द्वारा यह राधा मदन मोहन जी का मंदिर स्थापित किया गया था. और उसके बाद धीरे धीरे वृंदावन के दूसरे मंदिर भी प्रकट हुए गोस्वामियों के द्वारा, जैसे राधा गोविंद जी और राधा श्याम सुंदर, बहुत सारे जो हैं मंदिर हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा किया गया, राधा रमन मंदिर. तो जब हम वृंदावन धाम जाएंगे तो हम इन सब का दर्शन कर सकते हैं. राधा गोपीनाथ मंदिर, यह ओरिजिनल वहां पर स्थापित किया गया. उसके बाद समय के अनुसार बाद में मुगल्स आए और मुगल्स का आक्रमण हुआ. तो उस समय जो ये विग्रह थे, ओरिजिनल विग्रह थे, उनको राजस्थान में शिफ्ट कर दिया गया चुपचाप, गुप्त तरीके से, क्योंकि जो मुगल थे वो मंदिरों पर आक्रमण करते थे और भगवान के विग्रह को क्षति पहुंचाते थे, मंदिरों को क्षति पहुंचाते थे. तो राधा मदन मोहन जी का मंदिर वो जमुना जी के ज्यादा दूर नहीं है, जमुना जी वहां से तट पर ही है. और उसी से पहले कालिया घाट है, कालिया दह बोलते हैं, कालिया घाट है. तो जब हम वृंदावन जाएंगे तो उनका हम दर्शन कर सकते हैं. और एक शुद्ध भक्त की इच्छा से, राधानाथ महाराज की इच्छा से, ये जो वृंदावन है अब गोवर्धन इको विलेज में स्थापित हुआ. तो अभी 24 और 25 तारीख को वहां पर भगवान के विग्रह की स्थापना हुई, डीटी इंस्टॉलेशन हुआ. तो आज हम ऐसे ही एक वृंदावन के ही जो डीटी इंस्टॉलेशन है उनकी कथा आज हम उसके चर्चा करेंगे. और ये कथा है माधवेंद्रपुरी की, किस प्रकार से माधवेंद्रपुरी वृंदावन में गोपाल जी के विग्रह को स्थापित किए. ये कथा है चैतन्य महाप्रभु भक्तों को बता रहे हैं. जब चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया तो सन्यास लेने के पश्चात वो बंगाल से उड़ीसा की तरफ आए, क्योंकि उनकी माता ने कहा था कि आप महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन उनकी माता ने निवेदन किया कि वृंदावन बहुत दूर है और वही कृष्ण बगल में जगन्नाथपुरी जो है एक घर के दो कमरे के समान है, वृंदावन और मायापुर पास पास में है.
मायापुर और जगन्नाथपुरी पास में है। तो चैतन्य महाप्रभु की माता सची माता ने भगवान को निवेदन किया कि आप अपना निवास स्थान जगन्नाथपुरी में बनाएं। तो जब महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात जब आ रहे थे, तो आप देखेंगे जब हावड़ा से आप जगन्नाथपुरी आते हैं तो एक स्टेशन पड़ता है, उसका नाम बालासोर है। आप कितने लोग वहां से गुजरे होंगे, मायापुर से आप जगन्नाथपुरी आएंगे हावड़ा से, तो बालासोर पड़ता है। तो वही रास्ता है, महाप्रभु भी उसी रास्ते से बंगाल से जगन्नाथपुरी आ रहे थे। और उस समय जब महाप्रभु रेमुना पहुंचे, बालासोर स्टेशन है वहां से करीब 4-5 मील दूर, वो रेमुना एक स्थल है, रेमुना एक गांव है, वहां पर गोपीनाथ जी का मंदिर है। और जब चैतन्य महाप्रभु रेमुना पहुंचे तो वहां पर उस मंदिर में महाप्रभु ने भक्तों को अपने परम गुरु के बारे में बताया, किस प्रकार से जो गोपीनाथ जी की लीला यहाँ हुई उसको बताया, माधवेंद्रपुरी की लीला हुई। और वहां पर जो विग्रह है वो विग्रह का नाम है खीर चोर गोपीनाथ, और आज भी उस विग्रह को खीर चोर गोपीनाथ ही कहते हैं। तो भगवान जो है माखन चोर है, शास्त्रों में कई जगह पर, और जो बहुत सारे कवि हैं उन्होंने भगवान को माखन चोर का नाम दिया है, कृष्णा द बटर थीफ। लेकिन यहां पर भगवान ने अपने शुद्ध भक्त के लिए, शुद्ध भक्त की इच्छा पूर्ति करने के लिए खीर चुराया था। तो उसके बारे में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, उनके परम गुरु। चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन है? ईश्वरपुरी। और ईश्वरपुरी के गुरु कौन है? माधवेंद्रपुरी, उनके परम गुरु। तो माधवेंद्रपुरी ये जो थे पहले कड़ी हैं जो मध्वा और गौड़ी संप्रदाय को जोड़ते हैं, माधवेंद्रपुरी इसमें आ रहे हैं, उनका जो गुरु परंपरा है मध्वाचार्य से है, और वहां से गौड़ीय परंपरा शुरू होती है। तो माधवेंद्रपुरी वो एक वृंदावन धाम में आए, और वृंदावन धाम में आकर उन्होंने गोवर्धन परिक्रमा की, और गोवर्धन परिक्रमा करने के पश्चात एक स्थान है गोविंद कुंड, वहां पर वो एक वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। कितने लोगों ने गोवर्धन परिक्रमा की है? अच्छा, बहुत सारे भक्तों ने गोवर्धन परिक्रमा नहीं की है। तो आप रोनी प्रभु से निवेदन कीजिए कि वृंदावन धाम की यात्रा लेकर जाएं, तो वहां हमें सब आनंद लेने के लिए मिलेगा, हम परिक्रमा कर सकते हैं और उन स्थलियों का हम दर्शन कर सकते हैं, वहां पर जाकर उन स्थलियों में हम प्रार्थना कर सकते हैं, जो लीला हम श्रवण करते हैं उन स्थान में जाकर हम प्रार्थना कर सकते हैं, और जो शुद्ध भक्त हैं जो धाम हैं उनसे कृपा मांग सकते हैं, कृपा की याचना कर सकते हैं कि जो इन जो हम लीला श्रवण करते हैं, जो थोड़ा प्रेम है, एक बूंद जो है हमारे हृदय में भी प्रवेश करे। तो गोवर्धन में जब माधवेंद्रपुरी परिक्रमा की, परिक्रमा करने के पश्चात वो गोविंद कुंड स्थान में एक वट वृक्ष के नीचे बैठे थे, वहां विश्राम कर रहे थे। तो उस समय जब विश्राम कर रहे थे तो ऐसा था कि माधवेंद्रपुरी उनकी जो वृत्ति थी, वो भक्त थे और वो किसी से कुछ मांगते नहीं थे, वो जिस वृत्ति का पालन करते थे उसे कहते हैं अयाचक वृत्ति। अयाचक वृत्ति का अर्थ है किसी से कुछ भी नहीं मांगना, अपने खाने के लिए भी कुछ भी किसी से कुछ नहीं मांगना, यदि जो अपने आप कुछ मिल गया तो उससे संतुष्ट रहना, उसे ग्रहण करना और संतुष्ट रहना, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं मांगना। इसे शास्त्र में अजगर वृत्ति भी कहा गया है। जैसे अजगर सांप होता है, काफी विशाल होता है, तो वो ज्यादा भ्रमण नहीं करता है, जो उसके सामने में आ जाए उसको उसको ग्रहण कर लेता है। तो जो अयाचक वृत्ति है, जब मैं इस कथा को पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि
कितना जो उनका जो भक्ति का स्तर है वो कितना ऊंचा है कि वो अपने शरीर के लिए कुछ भी नहीं याचना कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपने को पेट भरने के लिए भी कुछ याचना नहीं कर रहे हैं। यदि जो कुछ भी मिला तो उसे ग्रहण किया, नहीं तो वो हरिनाम लेकर संतुष्ट थे। तो यह जो भक्ति का जो स्टेज है वो इतना ऊंचा है जिसको हम समझ नहीं सकते, बद्ध जीव नहीं समझ सकता है, हमारी कल्पना से भी वो परे है क्योंकि हम उस स्तर पर नहीं है, हम उसको कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान और उनके भक्त की जो लीला होती है वो अचिंत्य होता है, उसे हम श्रवण करके शुद्ध हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं, लेकिन हम उसको अपने जीवन में उसको अनुकरण नहीं कर सकते हैं। अनुकरण करना एक बद्ध जीव के बस की बात नहीं है। और ऐसा हम बहुत सारे भक्तों के जीवन में देखते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भूख और प्यास, क्षुधा और तृष्णा, इससे वो बिल्कुल अविचलित रहते हैं। ये सारी चीजें जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, जो शरीर की मूलभूत आवश्यकता है, वो भी उनको विचलित नहीं करती, उनको डिस्टर्ब नहीं करती है, क्योंकि वो नित्य भक्ति में स्थित रहते हैं। तो यह जो ऐसा इसलिए संभव होता है क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते, उनकी चेतना निरंतर शुद्ध सत्व में स्थापित रहती है, उनकी चेतना शुद्ध सत्व में रहती है। हमें निद्रा, आलस्य, भूख, प्यास, ये सारी चीजें का आभास क्यों होता है? क्योंकि हम प्रकृति के तीन गुणों से बंधे हुए हैं। प्रकृति के तीन गुणों के कारण ही व्यक्ति को तृष्णा, भूख, प्यास, इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, वांछा, कामनाएं, ये सारी चीजें प्रकट होती हैं। और ये सारी चीजों को इंसाने इंद्रिय तृप्ति के विषयों को व्यक्ति उसकी अभिलाषा, कामना मन में उत्पन्न होती है और इंद्रियों से उसकी आपूर्ति करने का जीव प्रयास करता है। ये सारी चीजें तीन गुणों के प्रभाव में होती हैं। लेकिन चूंकि भगवान का शुद्ध भक्त वो उनकी चेतना शुद्ध सत्व में स्थित होती है, विशुद्ध सत्व में स्थित होती है, इसलिए ये भूख, प्यास और जो शरीर की आवश्यकताएं हैं वो उनको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करती। ऐसे बहुत सारे भक्तों के उदाहरण हैं, जैसे आप यदि उदाहरण आप लेंगे श्रील प्रभुपाद का, तो श्रील प्रभुपाद जी की दिनचर्या कैसी थी? क्या हम में से हम एक दिन भी ऐसी दिनचर्या का पालन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद सुबह उठते थे, जप करते थे, उसके बाद प्रसाद बनाते थे और जो लोग आते थे उनको प्रचार करते थे। दिन में वो पूरा दिन प्रचार करते थे। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो वहाँ पूरे दिन वो लोगों से मिलते थे, प्रचार करते थे, पुस्तक वितरित करते थे कि यदि कोई पुस्तक बिका हो तो उससे धनराशि इकट्ठा करते थे, उनको प्रचार करना था। और रात्रि शाम के समय में वो क्लास देते थे, जो लोग आते थे उनको प्रसाद मनाते थे, खिलाते थे और वो पूरा सब कुछ स्क्रीनिंग करते थे। और उसके बाद 10, 10:30 बजे रात को सोते थे और 12 बजे फिर उठ जाते थे। और 12 बजे रात्रि को उठकर प्रभुपाद जी, जब पूरा जग विश्राम करता रहता है, जब पूरा जग सोता रहता था, तो प्रभुपाद जी शास्त्र का अनुवाद करते थे। तो और प्रभुपाद जी ने एक दिन दो दिन ऐसा नहीं किया, प्रभुपाद जी ने आजीवन इसको किया। तो यह जो है एक शुद्ध भक्त, क्योंकि उनकी चेतना विशुद्ध सत्व में होती है, इसलिए शारीरिक आवश्यकताएं उनको उनको विचलित नहीं करती है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे आप में से कितने भक्तों ने जर्नी होम पढ़ा है? जर्नी होम पुस्तक, अच्छा, कितने भक्तों ने नहीं पढ़ा है? Not many devotees are not read.
तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए, जर्नी होम, और इसमें हिंदी में है अनोखा सफर और मराठी में है त्रिशार्कपथिक। इस पुस्तक को आप पढ़िए। और ये जो पुस्तक है इतनी मिस्टिकल है, मैं मिस्टिकल इसलिए बोल रहा हूं कि हमारी कल्पना में हम कभी ऐसा सोच नहीं सकते हैं कि एक बालक, बालक ही हम जो राधानाथ महाराज हैं वो एक बालक ही हैं, 18-19 साल के वो उनकी उम्र है, और वो अमेरिका से यूरोप आते हैं, और यूरोप में वो एक आइलैंड में जाते हैं। वो आइलैंड जो है क्रेटी नाम का एक आइलैंड था, और वो जहाज में जाते हैं, उस आइलैंड में जाते हैं, और उस आइलैंड में वो अपने मित्र के साथ एक गुफा में रहते हैं। और गुफा में रह के क्या करते हैं, वो पूरा दिन वो जो वास्ट स्काई है और सी है वहां बैठकर वो और वो मेडिटेशन करते हैं, तो ध्यान करते हैं, सुबह से शाम तक वो ध्यान करते हैं। हम जब जप करने बैठते हैं तो क्या होता है, हम 1 घंटा 2 घंटा जप में है, कभी कभी हम भगवद गीता क्लास और उसके बाद माला करते हैं तो 1 माला 10-15 मिनट में हमें बेचैन कभी कभी होने लगते हैं, और वो वहां बैठकर सुबह से शाम तक वो मेडिटेशन करते हैं। और मेडिटेशन करने के समय उनको हृदय में एक आवाज आती है, वो महाराज लिखते हैं कॉलिंग, जो उनके हृदय में कॉलिंग होता है, कोई पुकारता है, कहता है, और राधानाथ महाराज को कहता है कि आप इंडिया जाओ, भारत जाओ, गो टू इंडिया। और उनके जो मित्र होते हैं उनको कहते हैं यू गो टू इज़राइल। और राधानाथ महाराज कहते हैं कि ये जो कॉलिंग है मैं इसको फॉलो करना चाहता हूं, ये जो मेरे हृदय में जो दिव्य ध्वनि आई है, जो दिव्य वाणी आई है, मैं इसको पालन करना चाहता हूं। और इसलिए अभी यूरोप में दो ही मित्र थे, दो ही साथ साथ में थे, और उनका कोई नहीं था, और दोनों जो कुछ मिलता था, कुछ ब्रेड मिलता था उसको खाते थे वो, और वो मेडिटेशन करते थे। और अब भगवान ने उनको सेपरेट कर दिया, एक को कह दिया इज़राइल जाओ, दूसरे को कह दिया आप इंडिया जाओ, और उनका तो वहां और कोई नहीं है, दो मित्र ही तो हैं, माता पिता नहीं और कोई भाई बंधु कोई नहीं है। और एक बालक राधानाथ महाराज वहां से, वो यूरोप से वो इंडिया आने का प्रयास करते हैं, और कितनी कठिनाई होती है, और जब वो पार करते हैं जो टर्की में आते हैं तो इस्तानबुल में वो जो गुंडे लोग होते हैं उनके गैंग में गलती से वो चले जाते हैं, उनका पैसा नहीं होता है, और वो उसको कहते हैं, पुलिस वाले को कहते हैं कि मुझे एक ऐसी जगह पर लेके जाओ जहां पर कि सबसे सस्ता होगा, हमारे पास पैसा नहीं है। तो वो जो इस्तानबुल जो जगह है उसका जो सबसे घटिया जो जगह है, क्योंकि सस्ता चीज कहाँ मिलेगा, पॉश जगह में तो महंगा होता है चीजें, वहां पर लेके जाता है, और वो गुंडों का अड्डा होता है। और वो गुंडों का काम क्या होता है कि जो लोग आते हैं वहां पर उनको मार देते हैं और उनका पैसा वैसा सब कुछ छीन लेते हैं, और मारने के बाद उनके शरीर को वो समुद्र में डाल देते हैं, इनको पता नहीं होता है। फिर भी वहां जाने के बाद उनको रियलाइज होता है कि हम फंस गए यहां आकर, कैसे छूटेंगे। तो रात में वो चुपचाप कैसे भी निकल कर, और रात में उनके ऊपर हमला भी होता है, वो सब तलवार और चाकू लेकर रात में आते हैं, राधानाथ महाराज अपने कुछ जो उस समय जो ट्रैवलर्स थे उसमें 2-3 लोग साथ में रहते हैं उनके साथ आते हैं, और वो बड़ी मुश्किल से वो बेड को वहां दरवाजे पे लगा देते हैं, और इधर इधर से वो लोग प्रेस करते रहते, सोते नहीं है रात में क्योंकि जानते थे कि खतरा है यहाँ पर, अगर सोते रहेंगे तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। तो रात में वो बेड को दरवाजे से लगा देते हैं और उसके पीछे बैठकर वो दरवाजे को बेड को पकड़े रहते हैं, और वो लोग बहुत कोशिश करते हैं दरवाजा खोलने की, दरवाजा खुलता नहीं है। और उसके बाद जब रात बहुत देर हो जाती है उस समय चुपचाप वो धीरे से वहां से निकल कर भागते हैं। और कैसे एक बालक जो है वो भगवान को पाने के लिए किस प्रकार से,
एक देश से दूसरा देश, दूसरे देश से तीसरे देश, और इस प्रकार से वो भ्रमण कर रहा है भगवान को, क्योंकि उनके हृदय में भगवान को पाने की इच्छा है, भगवान को पाने की कामना है। तो यह जो है, और जब कुछ मिलता है तो वो खा लेते हैं, और जब नहीं मिलता है तो वो संतुष्ट है, किसी से कंप्लेन नहीं कर रहे, किसी को कुछ कह नहीं रहे। यहां तक कि जब वो पहला दिन दिल्ली में आते हैं, तो दिल्ली में जब राधानाथ महाराज आते हैं तो उस समय एक सपेरा होता है। आजकल सपेरा लोग कम दिखते हैं, जब मैं छोटा था तो बहुत सारे सपेरा लोग दिखाई पड़ते थे, आजकल दिखता है औरंगाबाद में सपेरे आते हैं नहीं आते? आजकल सांप लेकर बहुत कम लोग चलते हैं, लेकिन जब मैं छोटा था 10, 12, 15 साल का था, तो मैं जब वहाँ रांची में रहता था, वहां भी हमारे मोहल्ले में इसमें सपेरे आते थे, सपेड़े मदारी ये सब आते थे। अभी ये सब चीजें लुप्त हो गई है। जो बड़े हैं वो जानते होंगे कि जो लोग पहले ना लोग आते थे, सांप लेकर आते थे, कुछ दिखाते थे, तरह तरह के सांप को प्रजातियों को दिखाते थे, और लोग उनको कुछ पैसा देते थे, लोगों का मनोरंजन करते थे वो। तो वैसे ही महाराज को क्या हुआ था कि महाराज को एक लोग, एक व्यक्ति था, उसने बोला खाने के लिए बुलाया, और उसने भांग पिला दिया महाराज को। भांग आप समझते हैं? तो वो महाराज कुछ पता नहीं था इंडिया में क्या होता है कैसे होता है, और महाराज को भांग पिला दिया, और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पैर कहाँ रखूं, कहीं रखते थे पैर कहीं जाता था, और ऐसी अवस्था में महाराज थे। और उस समय जो डगमगाते एक स्थान पर आए, और वहां पर सपेरा जो था उनके ऊपर ने उन्होंने सांप को डाल दिया, उनके शरीर में सांप डाल दिया। तो लोगों को समझ में नहीं आया, लोगों को लगा कि ये विदेशी बालक है, और ये भी सपेरा का ही कोई, उसका ही कोई ये होगा, उसी पार्टी का होगा। और लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था, बहुत मुश्किल से वो एक अपने शरीर को नियंत्रित कर रहे थे, लेकिन किसी प्रकार से एक सज्जन व्यक्ति को समझ में आया कि ये फंसा हुआ है, इसको निकालना है। तो आकर महाराज से पूछा, तो महाराज बोले कि मुझे इसे आप छुड़ा दीजिए। तो वो व्यक्ति ने सपेरा को बोला कि क्यों इसको पकड़ के रखे हो, सांप डाल दिए इसके ऊपर, छोड़ो इसको। तो मदाड़ी बोलता है मैं 50 रुपए लूंगा, 50 रुपए से कम मैं नहीं छोड़ूंगा। तो बहुत मुश्किल से वो 10 रुपया उस व्यक्ति ने दिया, और महाराज को वहां से छूट को महाराज को छुड़ाया, और महाराज ने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया और वहां से चले गए। और फिर महाराज हिमालय चले गए, और वहां से अपना वीजा एक्सटेंड करने के लिए मुंबई आए, और मुंबई में जब महाराज पहली बार हरे कृष्णा डिवोटी से मिले, तो महाराज 3 दिन से कुछ खाए नहीं थे। और वहां जब उनकी जो दृष्टि कृष्णा बुक के ऊपर पड़ी, तो वो ये नहीं सोचे कि अभी खाए नहीं है, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। वो भगवान का जो चित्र था राधा कृष्ण के, कृष्णा पुस्तक के ऊपर, उसको देखकर इतने आकर्षित हो गए कि महाराज ने कहा कि ये पुस्तक कैसा पुस्तक है, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। और जो भक्त पुस्तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे बोले ये इतना कॉस्ट है, तो महाराज गए और लोगों से ये मांगने लगे, भिक्षा बख्शिश मांगने लगे कि मुझे पुस्तक खरीदना है, उसके लिए बख्शिश मांगने लगे। और जब वो प्रसादम की लाइन में खड़े थे, वहां हलवा मिल रहा था, तो राधानाथ महाराज ने सोचा कि 3 दिन से कुछ खाया नहीं हो और यहाँ पर गरम गरम हलवा मिल रहा है, तो अभी कुछ हलवा लेते हैं। तो जब महाराज के प्लेट में हाथ में हलवा का द्रोण आया, तो गुरुदास प्रभु ने हलवा ले लिया और कहा कि आप तो तपस्वी हो, आपको ये हलवा सूटेबल नहीं है आपके लिए। और उसके बाद महाराज को पीछे लेकर गए और वहां पर अच्छा से प्रसाद खिलाया। तो कैसे यह कैसे संभव है कि एक बालक भगवान को पाने के लिए इतना कष्ट करता है, और वो बिल्कुल डिटरमाइंड है कि जो भगवान ने कॉलिंग किया है तो वो मुझे मिलेंगे, उसको पाने के लिए इतने डिटरमाइंड है, इतना निश्चय है उनमें।
और संसार के कोई भी चीज से वो आकर्षित नहीं होते, संसार की कोई भी चीज से आकर्षित नहीं होते। और बाद में राधानाथ महाराज किस प्रकार से गैरी उनका जो मित्र था उनसे मिलते भी हैं, वो नेपाल में उन दोनों की मुलाकात होती है और उसके बाद फिर वो बिछड़ जाते हैं, वृंदावन से में आते हैं फिर बिछड़ जाते हैं और फिर कई वर्षों के बाद वो मिलते हैं। और जो महाराज के मित्र गैरी हैं वो अभी मुंबई में आए थे, अभी शायद होंगे मुंबई में, अभी एक कार्यक्रम हुआ था बिरला के यहाँ पर, मिस्टर यश बिरला और अवंती बिरला वहां पर, तो वहां गैरी आए थे, महाराज के साथ थे कीर्तन में। तो किस प्रकार से जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो विशुद्ध, उनकी चेतना विशुद्ध सत्व में होती है, वो संसार के जो इंद्रिय तृप्ति है यहां तक कि शारीरिक आवश्यकताएं हैं उनके अभाव में भी विचलित नहीं होते हैं और बिल्कुल संतुष्ट रहते हैं क्योंकि उनकी चेतना भगवान में स्थापित रहती है। एक बार एक भक्त बता रहे थे कि एक ब्रह्मचारी हमारे मंदिर में, राधा गोपीनाथ मंदिर में पहले जो ब्रह्मचारी थे उनकी सेवा दी जाती थी कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा दी जाती थी। पहले रेलवे इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, वहां बुक डिस्ट्रीब्यूशन अलाउ किया जाता था। आजकल रेलवे में क्या है, कैमरा आ गया है, सीसीटीवी कैमरा और ये सब आ गया है तो तुरंत कंप्लेन होना शुरू होता है, तो अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन 10 साल 15 साल पहले ये सब कैमरा और ये सब चीजों का जमाना नहीं था, तो उस समय एक ब्रह्मचारी को, सब ब्रह्मचारी को वहां पुस्तक वितरण करने के लिए मुंबई सेंट्रल स्टेशन जाते थे, तो एक ब्रह्मचारी वो पुस्तक का बैग लेके वहां गए तो उनको यूरिन करने का बहुत ज्यादा तेज ये हुआ, उनको लगा कि मुझे खाली करना चाहिए, ब्लैडर खाली करना चाहिए। लेकिन उस समय देखा कि ट्रेन जो है वो निकलने वाली है, 5 मिनट ही बच गया है, 5 मिनट में वो ट्रेन जो है वो चली जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि अभी रोक लेता हूँ, अभी मैं जाके पहले पुस्तक वितरण कर लेता हूँ। तो वो पुस्तक वितरण करने लगे और ट्रेन जो थी वो 5 मिनट में नहीं निकली, थोड़ा डिले हो गई। तो उन्होंने सोचा कि अभी पुस्तक वितरण अच्छा हो रहा है तो अभी अभी ट्रेन में टॉयलेट बहुत दूर है, वहां कौन जाएगा, तो अभी पुस्तक वितरण करता हूँ। तो उस ट्रेन में वो 1 घंटा पुस्तक वितरण करते रहे शुरू से लास्ट तक, और पुस्तक वितरण अच्छा हो रहा था तो उनको बहुत आनंद आ रहा था। उसके बाद जब वो ट्रेन छूट गई तो देखा दूसरी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म में लगी है, वो भी निकलने वाली है, उसमें पुस्तक वितरण करने लगे। और ऐसे करते करते वो 4 घंटे तक पुस्तक वितरण करते रहे और भूल गए कि उनको यूरिन जाना था। तो ऐसा है कि जब हम सेवा में होते हैं, जब हमारी चेतना कृष्ण में लगी रहती है तो व्यक्ति जो है वो अपने शारीरिक आवश्यकताओं को भूल जाता है, क्योंकि चेतना जो है वो अल्टीमेटली शरीर जो है वह मन और चेतना के द्वारा नियंत्रित है। जब उसकी चेतना के कृष्ण में होता है तो शरीर शारीरिक आवश्यकताओं को वो भूल जाता है। जैसे हम अभी घर में रहते हैं तो हम 3 टाइम प्रसाद लेते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। लेकिन बहुत सारे भक्त हैं जब पुस्तक वितरण करने जाते हैं मैराथन में, मुझे जय हनुमान प्रभु बता रहे थे कि जब वो जाते हैं पुस्तक वितरण करने के लिए तो प्रसाद का कुछ निश्चितता नहीं होती, प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन वो योजना करके जाते हैं क्या कि यहाँ प्रसाद मिलेगा मिलेगा, नहीं मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो आनंद में। तो जब सेवा में भक्त रहता है, कभी एक बार प्रसाद मिला बस हो गया, फिर पूरा दिन सेवा करते हैं, तो यह कैसे संभव होता है जबकि हम 3 टाइम प्रसाद लेने के आदि हैं। लेकिन जब सेवा रहती है तो 1 टाइम प्रसाद मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी आनंद में रहते हैं, दुखी नहीं रहते, उदास नहीं रहते, आनंद में रहते हैं। क्योंकि जब भक्त की चेतना भगवान में होती है तो चूंकि कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, इसलिए भक्त की चेतना भी प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होती है। तो माधवेंद्रपुरी
इस प्रकार वहां बैठे थे और कभी किसी से याचना नहीं करते थे। तो उस समय वहां एक ग्वाल बाल आया और ग्वाल बाल एक पात्र लेकर आया जिसमें कि मिल्क था, दूध था। उस श्लोक को पढ़ना चाहता हूं। शैल परिक्रमा करी गोविंद कुंडे आसी, स्नान करी वृक्ष तले आछे संध्यावासी। तो बाधविंद्रपुरी गोवर्धन परिक्रमा करने के बाद वो गोविंद कुंड में गए, वहां स्नान किया और एक वृक्ष के नीचे वो बैठ गए। संध्या का समय था। गोपाल बालक एक दुग्ध भांड लाया, आसी आगे धरी किछु बलीला हसिया। और उस समय एक ग्वाल बाल गोपाल बालक वहां एक बर्तन लेकर आए, उसमें दूध था और वो माधवेंद्रपुरी के पास आए, वहां बर्तन रख दिया और मुस्कुराकर वो इस प्रकार से बोले, पुरी ए दुग्ध लाया कर तुमी पान, मागी के न नाही के खाओ कीवा कर ध्यान। और वो बालक कहने लगे कि मागी के न नाही खाओ कीवा कर ध्यान, कि हे पुरी पुरी ए दुग्ध लाया कर तुमी पान, मैं दूध लेकर आया हूं, आप इसको ग्रहण कर लीजिए। और मैं जानता हूं कि आप मांग कर कुछ नहीं खाते हो, और किबा कर ध्यान है, किसका ध्यान करते हो कि आप मांग कर नहीं खाते हो, ऐसा ग्वाल बाल कह रहे हैं। बालक सौंदर्य पुरी रा हैला संतोष, ताहर मधुर वाक्य गेला भोग शोष। जब माधवेंद्रपुरी ने वो जो ग्वाल बाल थे उनके सौंदर्य को देखा तो उसको देखकर माधवेंद्रपुरी बहुत संतुष्ट हुए और उनके जो मधुर वाणी थी, जो अमृत वाणी थी, उनके स्वीट वर्ड्स थे, उसको सुनकर उनके जितने भी क्षुधा भूख और प्यास था वो सब मिट गया। पुरी कहे कि तुम्हें कहां तुम्हार वास, के मते जानी ले आमी करी उपवास। और माधवेंद्रपुरी ने ग्वाल बाल से कहा कि आप कौन हो और कहां रहते हो, कहां निवास करते हो, और कैसे आपको पता चला कि मैं उपवास कर रहा हूं, मैं कुछ खाया नहीं, कैसे पता चला। बालक कहे गोप आमी ए ग्रामवासी, आमारा ग्रामे देखे के नहीं रहे उपवासी। बालक ने कहा कि हे गोस्वामी, मैं एक ग्वाल बाल हूं और इसी गांव में रहता हूं जिस गांव में आप आए हैं, और मेरे ग्राम में कोई उपवास नहीं करता है। आमारा ग्रामेते केह ना रहे उपवासी, मेरे गांव में किसी को हम भूखा नहीं रखते हैं। कृष्ण किसी को भूखा नहीं रखते हैं, जब कृष्ण के शरण में आता है तो कृष्ण उसका ध्यान रखते हैं। केह अन्न मागी खाए केह दुग्धाहार, आयाचक जाने आमी दिया त आहार। तो कोई जो है यहाँ गांव में आते हैं मांग कर खाते हैं, और कोई जो है यहाँ गांव में आते हैं मांग कर दूध लेते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आप कुछ भी नहीं मांगते हैं, इसलिए जो कुछ भी नहीं मांगता है उसको मैं पूरा करता हूं। तो ऐसा कृष्ण कह रहे हैं, तो कृष्ण से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण क्या आवश्यक है वो जानते हैं, भगवान अपने भक्तों के आवश्यकता को समझते हैं, जानते हैं। इसलिए माधवेंद्रपुरी नहीं मांग रहे हैं तो भगवान वहां स्वयं देने के लिए आए। और बालक ने कहने लगे कि यहाँ पर कुछ गांव की जो स्त्रियां हैं वो आई और यहाँ पानी लेने के लिए, और जब यहाँ देखा कि आप यहाँ बैठे हुए हैं तो उन्होंने ये मुझे दूध दिया और कहा कि आप लेकर जाओ और गोस्वामी जी को दे दो। और बालक ने कहा कि अभी मुझे गाय से दूध निकालने जाना है, गाय दोहन करने जाना है, इसलिए मैं गाय की सेवा करके गाय का दूध निकाल के थोड़े समय के पश्चात आऊंगा और मैं जो पात्र है इसको लेकर जाऊंगा।
एताबली गेला बालक न देखिया आरा माधवपुरी चित्ते हैला चमत्कार। और जब इस प्रकार से बालक ने बोला और इमीडिएटली तुरंत वहां से बालक गया और बालक लुप्त तो हो गया। और इसे देखकर माधवेंद्रपुरी का हृदय जो था वो बिल्कुल विस्मित हो गया, चमत्कार हो गया उनके हृदय में कि अभी बालक था, इतना सुंदर था, इतनी मधुर बातें कह रहा था और गया और तुरंत लुप्त तो हो गया। जब कोई जाता है तो दिखाई पड़ता है जा रहा है, लेकिन पीछे मुड़ा और लुप्त तो हो गया। दुग्ध पान करी भांड धुइया रखीला, बाट देखे ए बालक पुनः न आइला। माधवेंद्रपुरी उस दूध को पी लिए और दूध पीने के बाद उस पात्र को उन्होंने धो दिया, धोने के बाद रख दिया। और उसके बाद वो उस दिशा में जिस दिशा से बालक आए थे उस दिशा को देख रहे थे, लेकिन बालक वापस नहीं आए। वासी नाम लयापुरी निद्रा नहीं हया, शेष रात्रे तंद्र हैला भये वृत्ति लया बाह्य वृत्ति लया। तो माधवेंद्रपुरी वो सो नहीं पा रहे थे, इसलिए वो बैठे थे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे। और जब रात्रि बहुत लेट हो गई, देर हो गई, तो उसमें उनको उनके जो बाह्य एक्टिविटीज थी, बाह्य क्रिया थी, वो बंद हो गया और उनको थोड़ा सा नींद आया। स्वप्ने देखे से बालक सम्मुख आसिया, एक कुंजे लाया गेला हाथे ते धरिया। और जब माधवेंद्रपुरी को थोड़ी सी नींद आई, उस समय उस नींद में वही बालक फिर से अवतरित हुए और बालक उनके सामने आए, उनके हाथ को पकड़ा और हाथ पकड़कर एक स्थान में लेकर गए, एक झाड़ियों के स्थान में लेकर गए, कुंज के पास लेकर गए। कुंज दिखाए कह आमी एई कुंजे रहिया, सीत वृष्ट वाताग्नि ते महा दुख पाइया। और उन्होंने कहा, उस बालक ने माधवेंद्रपुरी से कहा कि मैं इस झाड़ियों में निवास कर रहा हूं और इसके कारण मैं बहुत ठंड, बरसा, गर्मी, हवा, ये सारी चीजों से मैं बहुत दुख भोग रहा हूं। ग्रामेर लोक आनी आमा काढ़ कुंज हैते, पर्वत उपरि लाया राखा भाल मते। और आप जाओ इस गांव के लोगों को लेकर आओ और मुझे इस झाड़ियों से निकालकर जो गोवर्धन पर्वत है उसके ऊपर मुझे एक स्थान में स्थापित करो। ए मथ करी तहां करह स्थापना, बहुस्थितल जले करी श्री अंग मार्जन। और बालक ने कहा कि वहां पर आप एक मंदिर बनाओ और मंदिर बनाकर मुझे वहां स्थापित कीजिए, उसके बाद मेरे शरीर को ढेर सारा जल से, शीतल जल से मुझे धो दीजिए जिससे कि मेरा शरीर जो है वो साफ हो सके, स्वच्छ हो सके। बहु दिने तुमार पथ करी निरीक्षण, कबे आसी माधव आमा करीब सेवन। और मैं बहुत दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब माधवेंद्रपुरी आएंगे और मुझे लेकर यहां से निकालेंगे। तुमार प्रेम वासिक वसे करी सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारी व सकल संसार। और भगवान कह रहे हैं कि मैं आपको, मुझसे बहुत प्रेम है, तुम्हारा प्रेम वसी करी सेवा अंगीकार, आपको मुझसे बहुत प्रेम है और इसलिए आपके प्रेम के कारण मैं आपसे सेवा स्वीकार करना चाहता हूं। और मैं यहां अवतरित होगा गोवर्धन पर्वत के ऊपर और मैं अपने दर्शन देकर, अपने दर्शन से पूरे संसार को संसार का उद्धार करूंगा। श्री गोपाल नाम मोरा गोवर्धन धारी, व्रज वज्रेर स्थापिता आमी इहां अधिकारी। और वो कह रहे हैं कि मेरा नाम गोपाल है,
श्री गोपाल नाम मोरा गोवर्धन धारी, और मैं गिरधारी हूं, मैं गोवर्धन को उठाने वाला हूं। वज्रेरा स्थापित, वज्र नाव जिसकी हमने अभी चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ चैतन्य चरितामृत में उनका नाम आ रहा है कि वज्रेरा स्थापित, उनको उनकी स्थापना किसने की थी? वज्रनाभ। वज्रनाभ कौन थे? भगवान कृष्ण के वो पर पोते थे। और आमी यहां अधिकारी, मैं यहां का मालिक हूं। और इस प्रकार से भगवान हिस्ट्री बता रहे हैं। सही लघु परि हईते आमा कुंजे लुकाइया म्लेक्ष भय सेवा कमोरा गेला पलाया। और कह रहे हैं कि मैं पहले गोवर्धन के ऊपर स्थापित था, मेरा स्थान जो था वो गोवर्धन के ऊपर था, लेकिन जब म्लेक्ष भय सेवक, जब मुस्लिम लोगों ने, जब म्लेक्ष लोगों ने आक्रमण किया, तो उस समय जो मेरा सेवक था वह भय से वो मुझे क्षति नहीं पहुंचाए, इसलिए मुझे उठाकर और झाड़ियों में छुपा दिया, और मुसली के भय से वो जान बचाकर सब लोग वहां से भाग गए। और इस प्रकार से मैं इतने समय से मैं यहां पर पड़ा हुआ हूं, और आप मुझे यहां से निकालिए। और इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी को बालक जो थे वो स्वप्न में इस प्रकार से कहकर वो चले गए। और जब वो बालक चले गए तो माधवेंद्रपुरी को तुरंत नींद से उठे और वो सोचने लगे कि कैसा ये स्वप्न था, ये कैसा स्वप्न था, इसके बारे में विचार करने लगे। और वो विचार करने लगे, श्री कृष्ण के देखी मुँह मुई नारी नु चिंतिते एता बोली प्रेमावेशे पड़ीला भूमिते। वो सोचने लगे कि अरे कृष्ण तो मेरे पास आए थे, अभी थोड़े समय पूर्व कृष्ण मेरे पास आए थे और मैं उनको रिकग्नाइज नहीं कर पाया, मैं उनको पहचान नहीं पाया। और ऐसा बोलकर वो प्रेम से प्रेमावेश होकर वो भूमि एता बोली प्रेमावेशे पड़ीता भूमिते, और वो मूर्छित हो गए, प्रेम के एक्सटेटिक इस प्रेम में वो मूर्छित हो गए। क्षणिक रोदन करी मन कैला धीरा आज्ञा पाली न लागा हैला सुस्थिर। और वो रोने लगे, माधवेंद्रपुरी रोने लगे, प्रेम से प्रेमावश होकर वो रोने लगे। और उसके बाद उन्होंने अपने मन को फिक्स किया, मन को केंद्रित किया कि नहीं, मुझे गोपाल थे, कृष्ण हैं, इनकी आज्ञा का मुझे पालन करना है। और ऐसे निश्चय करके वो प्रातः हो गया तो उसमें स्नान किया, और स्नान करने के बाद उस गांव में गए जो वहाँ ब्रजवास, ब्रज में जो गांव है वहां पर गए, और वहां पर लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को एकत्रित किया और कहा कि तुम्हारे भगवान जो हैं वो यहाँ पर छुपे हुए, और भगवान ने आदेश दिया है उनको निकालना है और निकाल कर स्थापित करना है। तो जो ब्रज के लोग हैं वो प्राकृतिक रूप से वो कृष्ण के भक्त हैं, ब्रज में जन्म होना कोई साधारण बात नहीं है। कई बार हम जो परिक्रमा करते हैं ब्रज में, तो विशेषकर दीन बंधु प्रभु, आप जानते हैं दीन बंधु प्रभु को जो वृंदावन में रहते हैं, आपने दर्शन किया दीन बंधु प्रभु का? कितने लोग दीन बंधु प्रभु को जानते हैं? तो उनका आपको दर्शन करना चाहिए। राधानाथ महाराज कहते हैं कि ही इज ब्रजवासी, उनका शरीर जो है वो विदेशी है, लेकिन वो उनका जो स्वभाव है वो ब्रजवासी का है, और वो इतना सुंदर ब्रज भाषा बोलते हैं, वो आप कभी कभी वो दामोदर लीला बोलते हैं, और वो ब्रज भाषा में दामोदर लीला बोलते हैं, इतना सुमधुर होता है कि ऐसा लगता है कि वो उनके मुख से जो कृष्ण लीला निकल रही है उसको हमेशा निरंतर सुनते जाएं।
आप जब वृंदावन जाएंगे तो आप अवश्य जो लेक्चर लेने जा रहे हैं तो आप दीनबंधु प्रभु का एक लेक्चर जरूर आप रखिएगा उसमें से। अगर रोहिणी प्रभु लेकर जा रहे हैं तो उनसे निवेदन कीजिएगा दीनबंधु प्रभु का एक क्लास रखिए, तो उनको बहुत आनंद आता है। भक्त लोग जब आते हैं ब्रज में तो वो जब राधानाथ महाराज यात्रा लेकर जाते हैं तो दीनबंधु प्रभु आते हैं, महाराज उनको आमंत्रित करते हैं और वो आते हैं और वो कथा बोलते हैं, और भक्त लोग विशेषकर उनसे निवेदन करते हैं कि आप कथा हिंदी में बोलो, क्योंकि उनकी जो हिंदी है वो इतनी मधुर है, इतना आनंद आता है वो जब विशेषकर दामोदर लीला जब सुनाते हैं। तो जो ब्रज के लोग हैं उसमें यात्रा में कई बार वो ब्रजवासियों को बुलाते हैं, उनको ब्रज में सब लोग जानते हैं दीनबंधु प्रभु को, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां दीनबंधु को लोग नहीं जानते हैं। और दीनबंधु प्रभु कई वर्षों से, करीब 30, 35, 40 वर्ष हो गया तब से ब्रज में ही रह रहे हैं और भक्तों को लेकर जाते हैं। तो सब जगह पर उनको, अगर बरसाना जाएंगे तो बरसाना के लोग उनको जानते हैं, गोवर्धन में जाएंगे तो गोवर्धन के लोग उनको जानते हैं, सब जगह जहां जाते हैं वहां ब्रजवासी उनको जानते हैं, और सब लोग हिंदी में ब्रज भाषा में बात करते हैं, वो भी बात करते हैं। तो कई बार वो ग्वाल बाल को बुलाते हैं, जो वृंदावन के जो निवासी हैं उनको बुलाते हैं, कहते लाला लाला इधर आओ, और उनको माइक देते हैं ग्वाल बाल को, छोटे बालक 10-12 साल के बालकों को, और उनको बोलते हैं लीला, ये लीला बता। और जो वृंदावन में जो ब्रज में जो बालक हैं वो जब कृष्ण लीला बोलना शुरू करते हैं तो ऐसा बिना रुके निरंतर धारा प्रवाह। तो कहते हैं देखो ये जो ब्रजवासी, ये ब्रजवासियों की भक्ति है, उनके हृदय में कृष्ण प्रेम जो है स्फुरित होता है, वह उनको प्राकृतिक रूप से भगवान से अट्रैक्शन है, उनको 16 माला जप करना, 4 नियम पालन करने की जरूरत नहीं है, वो उनके हृदय में बहुत निर्मल भक्ति है। तो ब्रजवासी जो ने जब सुना कि उनके भगवान यहां पर झाड़ियों में छुपे हुए हैं तो वो बड़े आनंदित हुए, बड़े उत्साहित हुए, और सब लोग जो है क्या कहते हैं उसको, झाड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी और वो क्या बोलते हैं वो फावड़ा और वो सब सब लेकर आते हैं, सब लोग लेकर वो इकट्ठा हो जाते हैं। और जिस स्थान में माधवेंद्रपुरी को बालक ने, भगवान ने दिखाया था कि ये स्थान है, वहां पर वो पूरा रास्ता क्लियर करते हैं, क्योंकि वो घना जंगल है। आज से जब माधवेंद्रपुरी थे उस समय वृंदावन बहुत जंगल था, चैतन्य महाप्रभु के समय में जंगल था और माधवेंद्रपुरी उनसे और पहले हुए थे, तो वृंदावन घना जंगल था, तो पूरा रास्ता वो क्लियर करते हैं, और रास्ता साफ करने के बाद वो भगवान के विग्रह को वहां देखते हैं, और जैसे ही भगवान के विग्रह को देखते हैं, भगवान का विग्रह जो है घास फूस धूल मिट्टी से वो आच्छादित है, देखकर लोगों को बहुत प्रसन्नता होती है। और एक दो लोग ब्रजवासी जाते हैं और विग्रह को सोचते हैं उठाएंगे, तो उठाने का कोशिश करते हैं तो विग्रह भारी है, हेवी है, बोलते नहीं ऐसे कमजोर लोगों से विग्रह नहीं उठेगा, पहलवान लोगों को लाना पड़ेगा। तो जो उस गांव में जो पहलवान लोग हैं वो आते हैं और कुछ लोग, कुछ पहलवान सब मिलके भगवान को उठाते हैं और उठाकर गोवर्धन पर्वत के ऊपर लेकर जाते हैं, और गोवर्धन पर्वत के ऊपर लेकर भगवान को एक शिला के ऊपर, एक बड़ा शिला के ऊपर उनको स्थापित करते हैं, और स्थापित करके एक शिला को पीछे रखते हैं सपोर्ट के लिए, एक भगवान का बेदी सिंहासन बन जाता है और एक भगवान का पीछे सपोर्ट बनता है, और इस प्रकार से वहां भगवान को स्थापित करते हैं। और उसके बाद माधवेंद्रपुरी सब लोग ब्रजवासियों को बोलते हैं कि अभी भगवान का अभिषेक का तैयारी करते हैं, कि भगवान की इच्छा है कि धूप गर्मी बहुत दिनों से भगवान यहीं पर झाड़ियों में छुपे हुए थे, अभी हमारे समक्ष आए हैं। तो वो उस गांव के जितने भी लोग हैं, स्त्री पुरुष बालक सब लोग भगवान की सेवा में आ जाते हैं। और यहाँ इसमें चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि 900 पात्र, 900 घड़ा लेकर आते हैं और उसको जल लेकर आते हैं, गोविंद कुंड से 900 घड़ा जल लेकर आते हैं,
और उस जल को पहले छानते हैं, उसको छान कर उसको शुद्ध कर लेते हैं, और उसके बाद भगवान को उस जल से भगवान को अभिषेक करते हैं। और इस प्रकार भगवान का जो शरीर का जो मिट्टी और घास फूस इतने दिनों से लगा हुआ था सब साफ हो जाता है। और उसके बाद वो सुगंधित तेल लेकर आते हैं और भगवान के शरीर को मसाज करते हैं, तेल से मसाज करते हैं। और मसाज करने के बाद फिर से वो पंचामृत और पंचगव्य एकत्रित करते हैं। आपको पता है पंचामृत क्या होता है? पंचामृत में कितने? पांच अमृत होते हैं। कौन कौन से पांच अमृत हैं? दूध, दही, घी, शहद और चार हो गया शक्कर। तो ये पांच चीज में से तीन चीज गाय से आ रहा है, और पंचगव्य क्या क्या है? गोबर और गोमूत्र, पांच गव्य है। तो भगवान का सेवा में पंचामृत और पंचगव्य का उपयोग होता है, भगवान का अभिषेक होता है। तो इसमें चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये सारे चीजें कहाँ से आ रही हैं? गाय से आ रही हैं, गो माता से आ रही हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि वैदिक संस्कृति में गो माता का कितना स्थान है कि गो माता के बिना भगवान की पूजा संभव ही नहीं है। गो माता के बिना कृष्ण और गो माता दोनों साथ में, बिना गो माता के कृष्ण नहीं आराध्य किए जा सकते हैं। साउथ इंडियन मंदिर में जब मंगल आरती होती है तो गो माता को लेकर आते हैं, अल्टर में लेकर आते हैं। आपने कभी देखा है? साउथ, एक बार मैं मदुरई गया था तो मदुरई में एक वेंकटाक्ष स्वामी एक मंदिर है। तो सुबह गए थे हम लोग, करीब 4:30-5 बजे एक बस मिल गई थी, तो हम लोग उस मंदिर में चले गए। और वहाँ इस्कॉन मंदिर में भक्तों ने एड्रेस दिया था कि ये एड्रेस में चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ आए थे तो इन स्थानों में वो विजिट किए थे, तो आप भी जाइए और इन स्थान में विजिट कीजिए। तो सुबह मुझे बस मिल गई, हम लोग वहाँ गए तो वेंकटाक्ष स्वामी वहाँ, महाप्रभु भी आए थे वहाँ। हम गए तो मंगल आरती में गो माता को लेकर आए, और जब आरती हो रही है तो गो माता के समक्ष में वहाँ वेंकटाक्ष स्वामी की आरती हो रही है, और उसके बाद गो माता की पूजा होती है। क्योंकि जब भगवान देखते हैं कि गो माता की पूजा हो रही है तो कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं। तो प्रभुपाद ये कहते हैं कि जो वैदिक संस्कृति है इसमें गाय का बहुत उच्च स्थान है, इसलिए गायों की रक्षा होनी चाहिए, गायों की सेवा होनी चाहिए। और यह सोसाइटी, यह समाज का कितना उच्च चेतना है ये इस बात पर निर्भर करता है कि गो माता को किस प्रकार से उनके पास से उनके साथ किस प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है। यह समाज में की चेतना का एक सूचक है। और समाज में सुख और समृद्धि तभी आ सकती है जब गो माता को प्रेम मिले, जब गौ माता की रक्षा की जाए तभी समाज में सुख और शांति और समृद्धि निवास कर सकती है। आज समाज में इतना कष्ट, वेदना, इतना चिंता और उन्माद क्यों है? क्योंकि गौ माता की रक्षा नहीं की जा रही है। ऐसे महाभारत में बताते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज राज्य करते थे उनके राज्य में गो माता इतनी प्रसन्न रहती थी कि वो जब वो चलती थी धरती पर विचरण करती थी तो उनके थन से, गाय के थन से दूध निकलता था और धरती गीली हो जाती थी, धरती दूध से गीली हो जाती थी, इतना गो माता को वहां रक्षा किया जाता था। और यहां तक कि जब महाराज परीक्षित ने देखा कि एक व्यक्ति कली जब गो माता को प्रताड़ित कर रहा है, वो तुरंत उन्होंने तलवार लेकर कली को दंडित करने का निश्चय किया, कली को दंडित करने का निश्चय किया, क्योंकि वो गाय और बैल उसको प्रताड़ित होते नहीं देख सकते थे। कि दुर्भाग्यवश आज का समाज है, जो जो आज के जो लीडर्स हैं वो किसी कारण से, पॉलिटिकल कारण से, वो इस बात को नहीं करते हैं।
इसलिए समाज का ये स्तर है, समाज में जो चिंता दुख ये सब इसलिए है क्योंकि गायों की रक्षा नहीं हो रही है। तो महात्मा ने पूरी ये सब चीजों को इकट्ठा किया, भगवान के शरीर को सुगंधित तेल से उन्होंने मालिश किया और भगवान का शरीर जो था एकदम चमकने लगा, ग्लॉसी हो गया। उसके बाद भगवान को पंचगव्य पंचामृत से भगवान को स्नान कराया गया, और स्नान कराने के बाद फिर से ढेर सारा जल से भगवान का गोपाल जी का अभिषेक किया गया। और अभिषेक करने के बाद माधवनपुरी ने भगवान की उन ब्राह्मणों को बुलाया, और ब्राह्मणों को बुलाकर उन्होंने आरती का सारा जो पैराफर्नेलिया था वो सब रेडी किया और भगवान की आरती की। और वहाँ ढेर सारा वो जो गांव में जितना भी जिसके पास अन्न था वो सब गोपाल जी की सेवा में लेकर आ गए। जिसके पास जितना चावल था जितना आटा था सब लोगों ने पूरी और चपाती सब तैयार किया, जितना सब्जी था सब तैयार किया, जितना उनके पास दूध दही था अभिषेक में यूज किया, और नहीं तो फिर उनके लिए भगवान के लिए सुंदर पकवान बनाए। और इस प्रकार से इतना सब कुछ वहाँ के ब्रजवासियों ने बनाया भगवान के लिए, ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ गोवर्धन पूजा हो रही हो, अन्नकूट हो रहा हो। अन्नकूट में देखते हैं ना कि चावल बनाया जाता है, लार्ज क्वांटिटी बड़ा क्वांटिटी में चावल बनाया जाता है। तो ऐसे गोपाल जी को माधवनपुरी अर्पण कर रहे थे, बहुत सारा चावल, बहुत सारा दाल, बहुत सारा सब्जी, बहुत सारी पूरियां और बहुत सारे स्वीट। और यहाँ चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इतना सारा पकवान भगवान को अर्पण किया जा रहा था कि मैं उसको वर्णन करने में असमर्थ हूं, ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं। तो ये यहां पर बता रहे हैं कि एक दिन में ये सारा कुछ हो गया। एक दिन में वो गोपाल जी को लेकर आए, स्थापित किया, अभिषेक किया, और एक दिन में इतना अन्नकूट किया। तो ये कैसे संभव है? हम सोचेंगे कि कैसे संभव है, एक दिन में इतना सब कैसे हो सकता है, क्या एक दिन में संभव है? लेकिन हुआ। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, ये सब कैसे संभव हुआ? ये गोपाल जी की कृपा से संभव हुआ, क्योंकि भगवान के कृपा से असंभव चीजें संभव हो जाती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है ना वो बड़ा ही मिस्टिकल आंदोलन है, वो कैसे चीजें प्रकट होती हैं वो पता नहीं चलता है, लेकिन प्रकट हो जाती है। जैसे श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए, अपने एडवांस एज में गए, 70 साल के प्रभुपाद जी की उम्र थी, और प्रभुपाद जी ने अपने ढलती हुई उम्र में उन्होंने इतने सारे पुस्तकें लिखी, कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया, और पूरे विश्व में उन्होंने मंदिरों की स्थापना की। कैसे हुआ इतने छोटे समय में? 10 12 12 साल में हो गया। कि 12 साल में संभव है? 12 साल में संभव नहीं, प्रभुपाद जी ने किया, क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी। कृष्ण ने प्रभुपाद जी को कहा था कि आप समुद्र को पार कीजिए, मैं आपके जहाज को लेकर जाऊंगा, और आप मेरे प्रचार कीजिए और मैं आपके लिए मंदिर स्थापित करूंगा। प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद लिखते हैं कि मैं यहाँ आने के लिए, भौतिक संसार में आने के लिए रिलक्टेंट था। भौतिक संसार, भौतिक जगत में कौन आएगा? लेकिन कृष्ण ने कहा, नहीं, आप जाओ और पुस्तक लिखो, मैं आपके लिए 108 मंदिर स्थापित करूंगा। तो प्रभुपाद कृष्ण के लिए मंदिर स्थापित कर रहे हैं, और कृष्ण कह रहे हैं मैं आपके लिए मंदिर स्थापित करूंगा। तो भगवान भक्त को सेवा करना चाहते हैं, और भक्त जो है वो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। ये भगवान और भक्त के बीच की लीला है। तो किस प्रकार से हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार हुआ और पूरे जगत में लोग हरे कृष्ण को जानने लगे इतने कम समय में, ये इतिहास में कभी भी ऐसा हुआ नहीं है। पूरे विश्व में प्रचार इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है।
यहाँ तक कि आप देखेंगे जो दूसरे जो धर्मों का भी प्रचार हुआ है, जैसे ईसाई और इस्लाम, इतनी जल्दी नहीं हुआ है, लेकिन भगवान की कृपा से यह आंदोलन इतने समय में, इतने कम समय में पूरे विश्वव्यापी बना। यस यस इट वॉज पॉसिबल, बट हरे कृष्णा इज नॉट पॉसिबल, इट इज विथ लव। तो जो भी कि फोर्स था, फिर भी इतनी जल्दी स्प्रेड नहीं हुआ, लेकिन हरे कृष्णा आंदोलन प्रेम से और इतना हुआ क्योंकि ये भगवान की कृपा है। यह हमारा, यह चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, हम सिर्फ निमित्त बन रहे हैं। अगर हम निमित्त बनेंगे तो भगवान हमें अपने आंदोलन में भाग लेने के लिए हमें अनुमति देंगे। हमें इच्छा रखनी है, हमें इच्छा रखेंगे, सिर्फ सेवा की इच्छा रखेंगे, अपने आप हमें आदेश आएगा कि ये, हमें ये सेवा करनी है। हम उस सेवा को करते जाएंगे, आदेश का पालन करते जाएंगे, हम भगवान के धाम के अधिकारी बनेंगे। हमें रजिस्ट नहीं करना है, हमें बस आंदोलन में रहना है और प्रेम से जो सेवा दी जाती है उस सेवा को करना है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस स्थान आंदोलन में भगवान स्थान दे रहे हैं, भगवान भक्तों के बीच में हमें जगह दे रहे हैं। ऐसा करने से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो यहाँ जिस प्रकार के कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि ये सब कुछ भगवान की कृपा से संभव हुआ। और उसके बाद माधवेन्द्रपुरी ने वहां के जो ब्राह्मण थे उनको लगाया, उनको बताया कि किस प्रकार से भगवान की सेवा करनी है, और उनको गोपाल जी की सेवा में उनको लगाया। उसके बाद गोपाल जी माधवेन्द्रपुरी से बोले कि मैं कई वर्षों से यहां पर धूप गर्मी इसको सहन कर रहा हूं, इसलिए मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे आप मुझे चंदन और कपूर मेरे शरीर पर, आप चंदन और कपूर लेकर आओ और मुझे उसका लेप लगाओ तो मुझे शीतलता मिलेगी। उस समय चंदन और कपूर वो वृंदावन में नहीं मिलता था, वृंदावन में आज भी नहीं मिलता है, वो चंदन और कपूर साउथ इंडिया में मिलता है, जगन्नाथपुरी और उससे दूर मलय, मलय पर्वत है वहां पर मिलता है। तो माधवेन्द्रपुरी, और उस समय भारत में ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट बहुत ये है, उसके बहुत पक्ष में है, इसलिए जाओ और तुरंत मिल जाएगा। एक व्यक्ति के लिए साउथ इंडिया जाकर वहां से चंदन लेकर आना वो कोई सरल चीज नहीं है, क्योंकि उस समय भारत में अलग अलग प्रांत थे और अलग अलग राजा का शासन था, ज्यादातर राजा मुस्लिम थे, और वैसे समय में, और चंदन जो है बहुमूल्य चीज है, अगर आप लेके जा रहे हैं तो इतने सब चोर डकैत होंगे रास्ते में, डाकू होंगे जो आपको मारकर आपको लूट लेंगे, फिर भी बिना कुछ सोचे भगवान ने कहा है और वो उनकी भगवान की आज्ञा को अब वो पूरा करने के लिए माधवेन्द्रपुरी वहां से निकल पड़े। और जब वो निकल पड़े तो वहां से वृंदावन से जब आए, तो उस समय माधवेन्द्रपुरी वृंदावन से जब आ रहे थे तो इसमें वो बंगाल होते हुए आए थे, और बंगाल में वो अद्वैत आचार्य से मिले थे, और माधवेन्द्रपुरी ने अद्वैत आचार्य को दीक्षा दी थी इसलिए। और माधवेन्द्रपुरी के शिष्य थे ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी से दीक्षा किस महाप्रभु ने ली थी, चैतन्य महाप्रभु ने ली थी, इसलिए चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को गुरु के समान सम्मान करते थे, क्योंकि वो उनके गुरु के गुरु भाई थे, ईश्वरपुरी उनके गुरु हैं और ईश्वरपुरी के गुरु भाई अद्वैत आचार्य थे, और अद्वैत आचार्य को गुरु के समान वो सम्मान देते थे। और अद्वैत आचार्य को कभी भी अच्छा नहीं लगता था कि महाप्रभु मुझे सम्मान दे रहे हैं, वो सोचते थे कि मैं सेवक हूं महाप्रभु का और महाप्रभु मुझे सम्मान दे रहे हैं। तो भक्त जो है कभी भी वो मालिक बनने का भावना नहीं रखता है, अद्वैत आचार्य भी महाप्रभु के सेवक बनने की भावना रख रहे हैं। उसके बाद जब माधवेन्द्रपुरी वो
उस रास्ते से बंगाल से जब उड़ीसा आ रहे थे तो उसी मध्य में उस वो बालासोर स्थान जो रेमुना वो स्थान आया, और वहां पर गोपीनाथ जी का विग्रह है। तो वहां पर गोपीनाथ जी का जो विग्रह है वहां पर एक विशेष प्रिपरेशन भगवान को अर्पण किया जाता है जिसका नाम अमृत केली है। वो दूध से बनाया जाता है, वो दूध को उबाल कर, दूध को काफी देर तक उबाल कर जब दूध गाढ़ा हो जाता है तो उससे वो एक एक प्रकार का खीर बनाया जाता है, उसको अमृत केली कहते हैं। यदि आप वहां जाएंगे रेमुना में गोपीनाथ मंदिर में तो आज भी आपको मिलेगा, आज भी वो अमृत के लिए आज भी भगवान को अर्पण की जाती है, और छोटे छोटे मिट्टी के पात्र होते हैं उसमें वो भगवान को अर्पण करते हैं और उसी पात्र के साथ वो भक्तों को दे देते हैं, वो प्रतिदिन नया पात्र में अर्पण करते हैं। जब राधानाथ महाराज हमें यात्रा लेकर गए थे तो सब भक्तों को वहां पर एक एक पात्र मिला था वो ग्रहण करने के लिए, और महाराज वो कथा बता रहे थे और बोले कि सबको एकदम एब्जॉर्ब होकर पूरी चेतना के साथ प्रेम से उस अमृत केली को आप ग्रहण कीजिए। इसी को माधवेंद्रपुरी ने ग्रहण किया था और इसी के लिए भगवान ने इसको चोरी किया था, इसके लिए उनका नाम पड़ा खीर चोर गोपीनाथ। तो ऐसा हुआ कि जब माधवेंद्रपुरी वहां आए और जब देखे कि भगवान को भोग लग रहा है तो उन्होंने देखा कि ये जो अमृत के लिए जो भगवान को अर्पण हो रहा है ये क्या चीज है, मैं भी अपने गोपाल जी को ये अर्पण करना चाहता हूं। तो उनके मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई कि यदि ये अमृत के लिए थोड़ा सा मुझे मिल जाए, मैं उसको एक बार टेस्ट कर लूं तो मैं भी इसे बनाकर वहां भगवान को अर्पण कर सकूंगा। लेकिन उस समय ये जो अमृत के लिए था भगवान को अर्पण हो रहा था तो तुरंत माधवेंद्रपुरी ने सोचा अरे अभी तो भगवान खाए भी नहीं और मैं खाने की सोच रहा हूं, तो पहले भगवान खा ले उसके बाद हम प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो अभी तो भगवान को भोग लग रहा है, भगवान ने ग्रहण भी नहीं किया है। बोले नहीं, ये विचार अच्छा नहीं है, तो अपराध है। ऐसा सोचकर वो वहां से माधवेंद्रपुरी चले गए और दूसरी जगह चले गए, और वहां पर जब दूसरी जगह जाके वहां बैठ गए, रात्रि में क्या हुआ कि गोपीनाथ जी पुजारी के स्वप्न में आए और कहा कि देखो मेरे एक भक्त हैं, उनका नाम माधवेंद्रपुरी है, और उनके मन में हृदय में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि वो अमृत केली को टेस्ट करना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं। तो मैंने अपने धोती में पीछे एक पात्र छुपा लिया है, तो जब आपने संध्या भोग में सब निकाला तो वो पात्र उधर ही छुपा रह गया क्योंकि मैंने चुरा लिया उसको, तो आप ये पात्र लो और पात्र लेकर माधवेंद्रपुरी को वो दे दो। तो पुजारी जो था वो उठा, जो स्वप्न में भगवान से सुने ये सब भगवान ने आदेश सुना, वो तुरंत वो स्नान किया, स्नान करने के बाद नए वस्त्र डाला, भगवान का अल्टर खोला, दरवाजा खोला, अल्टर में गया, देखा भगवान के धोती के पीछे वो अमृत के लिए जो है भगवान ने चुरा कर रखा है, और उसके भगवान भक्त वो जो पुजारी था उसके उन्माद, उसके जो उसका जो जॉय था उसके हृदय में आनंद था उसकी कोई सीमा नहीं थी, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा आओ माधवेंद्रपुरी आप कहाँ हो, पुरी गोस्वामी कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, भगवान ने आपके लिए खीर चोरी किया है, आपके लिए खीर चोरी किया है। ऐसा वो बोल पूरे गांव में मार्केट में सब जगह वो आनंद से वो चिल्ला रहे थे, और वो माधवेंद्रपुरी के पास आए और माधवेंद्रपुरी को पात्र दिया। और उस दिन से भगवान के जो गोपीनाथ विग्रह थे उनका नाम पड़ा खीर चोर गोपीनाथ। आज भी आप जाएंगे तो उनका नाम क्या है, अब गोपीनाथ कोई नहीं बोलता, अब क्या बोलते हैं, खीर चोर गोपीनाथ। और वो जो आप जगन्नाथपुर मंदिर में जाएंगे तो जो जगन्नाथ जी का मंदिर है तो जगन्नाथ जी के मंदिर का जो प्रांगण है उसमें बहुत सारे मंदिर है, उसमें भी एक खीर चोर गोपीनाथ जी का विग्रह है। और जगन्नाथ जी के प्रांगण में यदि आप रेमुना नहीं जा सकते हैं तो भगवान के जगन्नाथ जी के जो प्रांगण है उसमें देखा बिमला देवी का मंदिर है, साक्षी गोपाल मंदिर भी है, और उसी प्रकार से खीर चोर गोपीनाथ जी का भी मंदिर है।
वहां भी आप दर्शन कर सकते हैं। और यदि आप सौभाग्यवान हैं तो आप जाकर खीरच और गोपीनाथ जी का दर्शन कर सकते हैं और अमृत केली का आप उसको पान भी कर सकते हैं। और इस प्रकार से पुजारी ने जब उनको दिया तो माधव ने पूरी उसको ग्रहण की, और ग्रहण करने के बाद उस पात्र को अपने पास रख लिए, और उस पात्र में से जो मिट्टी का पात्र है जिसमें अर्पण होता है उसका एक एक टुकड़ा माधवपुरी उन्हें उसे ग्रहण करते थे। और चारों दिशाओं में माधवपुरी की ख्याति जो थी वो फैल गई कि भगवान ने उनके लिए खीर चोरी किया है। और जब माधवपुरी जगन्नाथपुरी आए तो सबको मालूम था, जगन्नाथपुरी में सबको पता था कि ये माधवपुरी जी हैं। और उसके बाद जो जगन्नाथपुरी के जो पंडे हैं, वहाँ के जो पुजारी हैं, उनसे उन्होंने निवेदन किया कि भगवान की ऐसी इच्छा है। तो उन्होंने वो राजा के पास गए और राजा को निवेदन किया कि माधवपुरी के लिए चंदन और कपूर चाहिए। तो राजा ने सब अरेंजमेंट किया, वो उनको साथ चार लोगों को दिया और वहां से चंदन इकट्ठा कराया, कपूर इकट्ठा कराया, और दो लोगों को दिया कि वहां से वृंदावन ले जाने के लिए। आसान नहीं है, इतना सब चंदन बहुमूल्य चीज है, उसको कैरी करके इतना दूर ले जाना, वो खतरा खतरा भी है उसमें। तो भगवान की इच्छा थी, तो वहां से लेकर जब वापस रेमुना आए तो रेमुना में जब माधवनपुरी थे, दर्शन कर रहे थे भगवान का, उस समय स्वप्न में गोपाल जी अवतरित हुए और कहा कि ये जो चंदन है और कपूर है इसको आप गोपीनाथ जी को लेप लगा दीजिए। भगवान जानते हैं कि मेरे भक्तों को बहुत कष्ट होगा इतना दूर लाने में, तो कहा कि आप गोपीनाथ जी के शरीर में उसको आलेप कर दीजिए, उससे मुझे शीतलता मिलेगी। तो उस समय से चंदन यात्रा आरंभ हुआ। आज भी हम इस्कॉन के सारे मंदिरों में अक्षय तृतीया के समय भगवान को कितने दिन लगाते हैं चंदन? हाँ, 3 वीक्स। तो उसमें बहुत गर्मी का समय होता है और उस समय भक्त लोग जो है चंदन बनाते हैं भगवान के लिए और भगवान को आलेप करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों के साथ दिव्य लीला करते हैं। और भगवान के भक्त जो हैं वो कृष्ण को कृष्ण के बिना और कुछ नहीं जानते हैं, और भगवान जो हैं वो भक्त के बिना और कुछ नहीं जानते। साधुनाम हृदयम मह्यम साध मम तेभ्यो न जानाति नाहम तेभ्यो मनादपि, वर्स इन श्रीमद् भागवतम। कि भगवान कहते हैं कि साधु जो मेरे भक्त हैं वो मेरे हृदय में निवास करते हैं और मैं अपने भक्तों के हृदय में निवास करता हूं। मेरे भक्त मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते हैं और मैं अपने भक्तों के सिवाय और कुछ नहीं जानता। तो ये कथा इतनी सुंदर कथा है जिसको सुनकर बहुत आनंद आता है, और हमें भी इन भक्तों से उनके चरण कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए कि यह जो उनकी जो भक्ति है उसका, उनकी कृपा से उसका एक बूंद भी हमारे हृदय में भी प्रवेश करे, और हम भी इस प्रकार से जो गुरु हैं वैष्णव हैं उनकी सेवा में रत हो सके। हरे कृष्णा।